क्या अखिलेश यादव राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये मामला अखिलेश यादव के लिए बहुत उलझन वाला है। वैसे सवाल समाजवादी पार्टी की राजनीति का भी है, जिसकी सबसे बड़ी ताकत मुस्लिम वोट बैंक है। 22 जनवरी को अखिलेश यादव का क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए देश भर से 8000 लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, सोनिया गांधी, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और मल्लिका अर्जुन खड़गे को भी न्योता भेजा गया है। लेकिन कई ऐसे नेता हैं जिन्हें अभी तक निमंत्रण का इंतजार है। इस लिस्ट में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का भी नाम शामिल है। यूपी में विपक्ष की तरफ से दो बड़े चेहरे हैं, इनमें पहला नाम है BSP अध्यक्ष मायावती का। मायावती ने अब तक राम मंदिर के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का मामला थोड़ा अलग है। अखिलेश इस मामले में काफी मुखर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला है, जब मिलेगा तब देखा जाएगा। इसके कुछ ही दिनों बाद उनका एक और बयान सामने आया कि हम सब लोग उस परंपरा को मानते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं तभी हमें दर्शन मिलते हैं, उससे पहले या बाद में कुछ नहीं होता है। तो अब सवाल ये कि क्या अखिलेश अयोध्या जाएंगे? जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े लोग अखिलेश यादव से मिलकर उन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अब तक उन्हें समय नहीं मिल पाया है। उधर BJP सांसद सुभद्र पाठक की मांग है कि अखिलेश यादव को अयोध्या ना बुलाया जाए। पाठक ने कहा कि जिस पार्टी की सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलाई, उस पार्टी के नेता को बुलाना उचित नहीं होगा। राम मंदिर को लेकर अखिलेश ने पहले भी कई बयान दिए हैं। पहले विधानसभा चुनावों के दौरान अखिलेश यादव अयोध्या भी गए थे, तब उन्होंने कहा था कि जब मंदिर पूरा बन जाएगा तो वे प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए जरूर आएंगे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि अखिलेश को अगर निमंत्रण मिलता है तो वे अयोध्या जाते हैं या नहीं। ऐसी हर अपडेट के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष, साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।